वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दा डर्मा को कोजिक सीरम के ऊपर एक ऑनेस्ट रिव्यू। ये वीडियो को स्पॉन्सर क्यों वीडियो नहीं है, एक नॉन स्पॉन्सर वीडियो है। आई होप इस वीडियो को आपको पसंद आएगा। तो फटाफट से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाए। सो डोंट वेस्ट मच फॉर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आप लोगों को पता ही है कोजिक एसिड का काम क्या होता है। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट, एक्ने प्रॉब्लम, एलर्जी प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन, झाइए पड़ जाए तो कोजिक एसिड उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। और साथ ही साथ एज बढ़ने के साथ साथ जो हमारी एज स्पॉट, डार्क स्पॉट, बहुत ज़्यादा धूप में रहने से जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं उसमें ना मेलानिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, उस मेलानिन को कम करना ही कोजिक एसिड का काम होता है। तो सबसे पहले इस ब्रांड के बारे में बात करेंगे। ये ब्रांड कोई नॉर्मल ब्रांड नहीं है, डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा बनाया हुआ, रिकमेंड किया गया हुआ, डिज़ाइन किया हुआ एक ब्रांड है। और सिंपल अब मार्केट में जितने भी ब्रांड देखोगे वे ब्रांड उससे हटकर एक ब्रांड है, क्योंकि खुद डर्माटोलॉजिस्ट ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है और ये एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। और साथ ही साथ इस ये है सल्फर फ्री, पैराबिन फ्री एंड मिनरल ऑयल फ्री एक ब्रांड। और सबसे पहले मैं इसको बात करूँगी इस सीरम के ऊपर। इसमें है 2% कोजिक एसिड फेस सीरम और प्लस है 1+ अल्फा एल्ब्रुटिन एंड कोजिक एसिड एंड नियासियामाइड फॉर डे एंड नाइट। सो गाइस, अब बात करते हैं कोजिक एसिड फेस सीरम के ऊपर। तो इसमें है 2% कोजिक एसिड। कुछ ब्रांड ऐसे होता है बस लिख देता है, बट दे डोंट एक्चुअली नो कि कितने क्वांटिटी में इसको लेना है। बट इन्होंने एकदम हाईलाइट करके दिया हुआ है कि 2% कोजिक एसिड ही लेना है और इसको 2 times लेना है, सुबह एंड रात में। अगर आप सुबह में इसे यूज़ कर रहे हो तो सनस्क्रीन लगाना मत भूलना। और एंड नेक्स्ट मैं इसे कहना चाहूँगी कि इसमें है 1% अल्फा एल्ब्यूटिन एंड कोजिक एसिड नियासिनामाइड। सो गाइस, ये बहुत अच्छी वाली एक सीरम है। अगर आपका स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट, एक्ने प्रॉब्लम, एलर्जी प्रॉब्लम, ब्लेमिशेस है तो ए कोजिक एसिड उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है और साथ ही साथ आपका स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग करती है। आप मैं बात करूंगी इसे यूज़ कैसे करना है। ये सीरम इस तरह की कांच की बोतल में वाला सीरम आता है और इसको 5 and 6 drops लेना है और जेंटली हमारी स्किन पे मसाज करना है। तब तक मसाज करना है जब तक हमारी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। और ये कहना चाहूंगी ये सीरम कोई जेल बेस्ड सीरम नहीं है, एक वाटर बेस्ड सीरम है। जब मैं इसे यूज़ करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वाटर ही लगाया है। और मैं कहना चाहूंगी जो सीरम जो है ना वो डायरेक्टली हमारी स्किन के अंदर तक जाके इसका पूरा के पूरा बेनिफिट देता है और जो क्रीम या जेल है वो बस हमारी स्किन के ऊपर ही ऊपर ही रहता है। तो गाइज, इसमें है 2% कोजिक एसिड जो कि हमारी डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, एलर्जी प्रॉब्लम, दाग धब्बे को रिमूव करने में हेल्प करती है। और साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हो तो हमारी स्किन पे जो पिगमेंटेशन पड़ जाते हैं, दाग धब्बे जो और भी डार्क होता जाता है, तो उसको लाइटनिंग करने में ये सीरम बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो गाइज, मैं कहना चाहूँगी आप इसे ज़रूर परचेस किया करें, क्योंकि ये सीरम बहुत अच्छे वाला एक सीरम माना जाता है, क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट ने खुद इसने डिज़ाइन किया है, इसलिए बहुत अच्छे वाला एक सीरम है। गाइज, बहुत अच्छी वाली एक सीरम है, मेक श्योर आप इसे ज़रूर परचेस करो। एंड इसको यूज़ कैसे करना है, ऐसे 5 drops लेके 1, 2, 3, 4 and 5 इस तरह इसके ड्रॉप लेकर जेंटली मसाज कर लेना है। सो गाइस, सीरम लगाने के बाद आपको बहुत अच्छे वाला एक सनस्क्रीन लगाना है। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी दा डर्मा को का ही एक सनस्क्रीन। इस तरह की इसका पैकेजिंग है। मैं इसका रिव्यू दूर से वीडियो के आपके साथ शेयर कर दूँगी, मेक श्योर आप बाहर से चेकआउट कर लेना। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप सीरम लगाओगे तो उसको प्रोटेक्ट ही नहीं करोगे तो आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो इसलिए सीरम लगाने के बाद आपको एक अच्छा SPF वाला सनस्क्रीन लगाना है। तो मैं यहाँ पर दा डर्मा को का ही एक सनस्क्रीन लगाती हूँ। इस तरह की इसका टेक्सचर है, बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर है, आप देख सकते हो। अब मैं इसका रिव्यू शेयर करूंगी। ये वाटर बेस्ड सीरम है, लाइट वेट एंड फर्स्ट एब्जॉर्बिंग एक बेस्ट सीरम है। अब देख सकते हो एकदम वाटर बेस्ड पतला सा एक सीरम है, वाटर बेस्ड सीरम है।
सो गाइज आई होप इस वीडियो को आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना मत भूलना। और मैं इस सारे प्रोडक्ट के लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल दूंगी। मेक श्योर आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। सी यू द नेक्स्ट वीडियो। यू स्टे फिट एंड ब्यूटीफुल।